हाय फ्रेंड्स, एंड सॉरी कि मैं काफ़ी लेट वीडियो बना रहा हूँ कि तबीयत थोड़ी बहुत ही वीक हो गई थी। देन अभी ठीक हुआ हूँ तो मैंने सोचा कि अब अपने वीडियो को रेगुलर करते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको याद दिला दूँ कि हमने पिछले वीडियो में ये हमने बनाया था, इसमें एक नॉर्मल सा फेस मॉडलिंग किया था कि फेस का जो हमारे फेस का जो ढांचा होता है वो कैसा होता है, ठीक है ना। एंड उसके बाद हमने एक माउथ बनाई थी, तो माउथ काफ़ी बड़ा हो गया है ना, पूरा का पूरा अंदर का एक सरे दिख रहा है। आज की वीडियो में मैं आप लोग को ये चीज़ रिकवर कर दूंगा, बट पूरी की पूरी तो समझा नहीं पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी सीखना है। बता, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन की लिंक में मैं पिछली जो हमने पार्ट नंबर 1 की जो वीडियो बनाई थी, मैं डिस्क्रिप्शन की लिंक में मैंसन कर दूंगा, आप वहाँ पर जा करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। ज़रूर देखिएगा वो, इसलिए कि आपको समझ में आए, ठीक है ना। ये मत सोचिएगा कि मैं अपना व्यू बना बढ़ाना चाहता हूँ, ओके जी। क्योंकि बाद में यही आता है कमेंट में कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई परेशानी हो, ठीक है ना। तो चलिए देर ना करते हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुन्ना पटेल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब की चैनल इजी वे। तो चलिए देख रहे हैं आप ये पार्ट नंबर 2 देख रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपका एरिया है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं कोई भी की को प्रेस करूँगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे मैं एस प्रेस करूँगा, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर एस दिखाई दे रहा है। तो यही आपको, अगर मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ, कुछ काम कर देता हूँ यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं कौन कौन सा की प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर लेफ़्ट राइट करूँगा मैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वाइट वाइट कलर का आ रहा है। तो ये मैं बार बार चीज़ें बताना नहीं चाहूँगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होता है, मैं अपना क्यों कहूँ। एंड देन चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना, क्यूब को। अगर बाय द वे आपके पास क्यूब नहीं है तो मैं क्या करता हूँ कि शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, ये जो मेस दिख रहा है ना आपको, मेस में जाना है और क्यूब को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। तो क्यूब को मैं सेंटर में ला लेता हूँ, ठीक है ना, गुड। अब आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से आपका क्यूब दिखाई देगा, ठीक है ना। अब आपको इसे थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, ठीक है जी। यहाँ पे आपको मॉडिफायर में जाना होता है, फिर आपको यहाँ पे ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सब डिविज़न सरफेस में जाना है, ठीक है ना। एडिट प्रेस करना है, गुड, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं इसे एडिट मोड में जाता हूँ, ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी, वरना कहेंगे सर ऊपर ऊपर से निकल गया, ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना। यानी मैंने चारों के चारों यहाँ पे कोने को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। अब मैं इसे थोड़ा नीचे की तरफ कर लेता हूँ, वन प्रेस करता हूँ, एस प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन को एक ज़्यादा कर लेता हूँ, ओके गुड। चलिए मैं अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई तभी होगा जब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मोड में होगा, देखिए एडिट मोड में है ना, अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ ना, तो यही बताएगा मॉडिफायर कैन नॉट बी अप्लाइड इन एडिट मोड, ओके जी, तो यही बताएगा आपको, ठीक है जी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, देन ऑब्जेक्ट मोड, देन अप्लाई है, ओके। फिर उसके बाद से ऐड मॉडिफायर में मैं जाऊँगा, ध्यान रहे दूसरी बार मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना। सब डिविज़न सरफेस दिख रहे हैं ना आपको, ये ढांचा कैसा हो गया चेहरे का, ठीक है ना। देन फिर से ऐड मॉडिफायर, उसके बाद से सॉलिडिफाई में यहाँ पे ले लेता हूँ, ओके जी। ये आपको क्या थिकनेस का काम करता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ, गुड, जेड प्रेस करता हूँ ताकि कुछ आपको यहाँ पे एक्सरे दिखाई देते हैं, ओके। फिर से टैब प्रेस कर लेता हूँ, थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ज़्यादा मुझे नहीं बढ़ानी है, ओके, इतना काफ़ी है। देन फिर से मैं यहाँ पे जाऊँगा, ऑब्जेक्ट मोड में है, ठीक है जी। फिर जेड में प्रेस कर लेता हूँ ताकि पूरा का पूरा दिखाई दे, ओके। एडिट मोड में चलते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक लूप कट डालूँगा, ठीक है ना। तो कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ, एक लूप कट यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ठीक है ना, गुड। उसके बाद से मैं ऊपर भी एक लूप कट दे देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल आर करूँगा इस लाइन पे, और यहाँ पे भी एक लूप कट दे देता हूँ, ठीक है ना, मैंने लूप कट दे दिया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आपको बस ध्यान देना है, ठीक है ना, आपको ये ले लेना है, देन ये वाली पॉइंट को और इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। अब फिर से आपको वी प्रेस करना है, ठीक है। अब आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपका लिप्स बना हुआ दिखाई देगा, ध्यान रहे आपको
इस साइड से भी देखना है, ठीक है ना, और आपको टॉप व्यू से भी देख लेना है, बटन व्यू से भी, लेफ्ट से भी और राइट से भी, ठीक है ना, ताकि आपका माउथ इधर उधर ना जाए। ओके गाइज, सो अब मैं क्या करता हूँ कि ये पॉइंट वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा नीचे की तरफ लेता हूँ, गुड, इनको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब मैं इसे ले लेता हूँ, इन्हें इन्हें सॉरी हैं इन्हें इन्हें लेकर के थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, गुड, और इनको लेकर के थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, वन प्रेस कर लेता हूँ ताकि फ्रंट व्यू से मैं मुझे दिखाई दे ये नीचे। अब लग रहा है कि वाकई में ये माउथ है, टैप प्रेस करता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में जा कर के मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, ये माउथ छोटा सा है और अच्छा भी लगेगा, देखे ना, अभी तो शुरू हुआ, देखिए क्या क्या होता है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, आई यानी आँखों के लिए मैं करूँगा, ठीक है ना, तो मैं फिर से टैप प्रेस करता हूँ, ठीक है ना, मुझे आई यहाँ चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे दूंगा तो गलत हो जाएगा, मुझे इस वाले एरिया पे चाहिए, तो फिर से कंट्रोल आर और यहाँ पे मैं कट डाल दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई देने के लिए मैं क्या करूँगा, पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है ना, इस मैंने ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे जस्ट मुझे आई देना है, तो ये वाले हिस्से को मैं सिलेक्ट करके वी प्रेस कर देता हूँ, देखता हूँ कैसे कटा है। वाह, देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ उल्टा इस टाइप का कट गया है, ठीक है ना, आप ध्यान दे रहे हैं ना, तो अगर आपके साथ ऐसा होता है, ये मैंने जानबूझ करके किया है, ठीक है ना, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ऐसा आप आई तो बना नहीं पाओगे ना। सो आपको क्या करना है, कंट्रोल जेड प्रेस करना है, गुड गुड, ठीक है ना, फिर से आपको मतलब इस एरिया को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना, जैसे देख रहे हैं ना, ये अभी भी कटा हुआ है, तो आपको कंट्रोल जेड प्रेस करके उतनी बार प्रेस करनी है जितनी बार ये कटा हुआ ना, देखिए अब हट गया, ठीक है ना, ये कंट्रोल जेड से हम पीछे की तरफ बैक होते हैं, तब आपको क्या करना है, फिर से इस पर सिलेक्ट करना है और फिर से वी प्रेस करना है, ठीक है ना, इस बार आपको नीचे की तरफ कटेगा, ठीक है ना, वही बार आप जब दो बार दोहराते हैं ना तो वही काम होता है, पहले ऊपर की तरफ से करता है, उसके बाद से नीचे की तरफ से करता है, ठीक है ना, तो सो आप दूसरी बार ट्राई करेंगे, आपका काम हो जाएगा। ओके जी, अब ये देखिए मेरे आई का भी हो गया काम, यहाँ पे वन प्रेस करता हूँ मैं, ठीक है ना, फिर मैं इस वाले पे जा कर के यहाँ खड़ा था, तो ये वाले लेकर के मैं यहाँ पे आता हूँ, गुड, यहाँ पे वी में प्रेस करता हूँ, देख रहे हैं ना जी आप, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, थोड़ा सा मैं इधर इधर कर देता हूँ मैं, ओके, इसको थोड़ा सा इधर, देन ओके गुड, टैब प्रेस करता हूँ मैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देन इसकी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं थिकनेस जो है ना, आपको इतना ही रहने देना है, ठीक है ना, व्यू जो है इसको एक बार बढ़ा दीजिए, ठीक है ना, अब आपको लग रहा होगा कि आई का शेप है ना जी। अब मैं यहाँ पे अगर स्मूथ करके दिखाऊँ तो आपको कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा, ठीक है जी। ओके, तो मैं पहले एक स्टेप पीछे जाता हूँ, कंट्रोल एस प्रेस कर लेता हूँ मैं, इसे सेव कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना, Part 2, ठीक है, ताकि मैं जब भी रेगुलर करूँ तो ये मुझे दिखाई दे। ओके गाइस, देन उसके बाद अब हम क्या करना है, हमारा माउथ हो गया, आई की भी मैंने सेप बना ली, चेहरे का ढांचा तो आपको अच्छा दिख ही रहा होगा। ओके जी, गुड, अब हमें क्या करना है कि इसे मैं पहले क्या करता हूँ कि यहाँ पे हमें आई देनी है, ठीक है ना जी, तो हमें आई देने के लिए क्या करना होगा, तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पे आई लगानी है, तो आई के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद छोटी सी ये आई इधर वाला आई थोड़ा सा छोटा है ना, तो अब इसे बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब अपने हिसाब से जैसा देना चाहते हैं वो तो अब आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है ना जी। सो अब हमें यहाँ पे एक आई लगानी है, यानी आंखें, है ना जी, वन प्रेस कर रहा हूँ। सो अब हमें क्या करना होगा ना, शिफ्ट ए प्रेस करना है, आपको यहाँ पे यूवी स्फीयर दिख रहा है ना, आप इसे ले लीजिए, ये आपका हुआ, बधाई हो। ओके गाइस, जस्ट 3 प्रेस करना है, आर प्रेस करना है, एस प्रेस करना है, छोटा कर लिया, ठीक
ठीक है जी, जस्ट आपको इसकी आई में ले जाना है ना जी, दिख रहा है ना, जूम कर लीजिए। अब आपको वन प्रेस कर लीजिए, जस्ट यहाँ लाते हैं। ओके, थ्री प्रेस करता हूँ मैं, आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, जूम कर लेता हूँ मैं। एस प्रेस करके छोटा कर लेता हूँ मैं, ठीक है। वन प्रेस करता हूँ मैं, ये ऊपर नीचे थोड़ा सा नीचे, है ना, गुड। एस प्रेस करके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कि यहाँ अंदर ले जाता हूँ मैं। वन प्रेस करता हूँ मैं, चलिए इनको भी एक कलर देते हैं, न्यू जाऊँगा प्लस में। ओके, अब इनके लिए मैं एक लूँगा पहले। ओके, तो इनके लिए हम क्या करें, एक और ऐड करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, यहाँ पे जा कर के मैं आई लिखता हूँ, ठीक है ना जी। फिलहाल अभी मैं इनका कलर ब्लैक देता हूँ, ठीक है ना, असाइन कर देता हूँ मैं अभी के लिए। कलर मैंने ब्लैक दिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि हम आई को कलर कैसे करेंगे, ठीक है ना जी। तो फिलहाल चलिए, गुड, कोई दिक्कत नहीं है, वन प्रेस कर लेता हूँ मैं। हाँ, बहुत बढ़िया, शिफ्ट डी प्रेस करके मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ मैं, जस्ट यहाँ पे एक और डाल देता हूँ मैं, इनको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं, गुड। अब मैं टैब प्रेस करता हूँ मैं, देखते हैं क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वाला आई तो बहुत बढ़िया हो गया, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। ओके गाइस, गुड, चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके, देन गुड। तो कैसी लग रही है आपको वीडियो? अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, है ना जी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, और देखेंगे आई को हम कलर कैसे करेंगे, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ दोस्त अगर अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है ना, ताकि आपकी तरफ से थोड़ी बहुत हेल्प मुझे मिल जाए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।